दोस्तों, आखिरकार जिस घड़ी का सभी को इंतजार था वो घड़ी आ ही गई है, वर्ल्ड T20 रोड सेफ्टी सीरीज को लेकर। तो इस ऐतिहासिक सीरीज में 5 देशों के पूर्व या कहें लेजेंड्स खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। नंबर 1 पर इंडिया लेजेंड्स, नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स, नंबर 3 पर श्रीलंकन लेजेंड्स, नंबर 4 पर साउथ अफ्रीका लेजेंड्स और नंबर 5 पर वेस्ट इंडीज लेजेंड्स। दोस्तों, इस सीरीज का रोमांच और भी बढ़ जाता है जब हम अपने पुराने खिलाड़ियों को अपनी आंखों के सामने खेलते हुए देख सकते हैं। सचिन तेंदुलकर, तिलकरत्न दिलशान, ब्रेन लारा, जैक कालिस जैसे अतिरिक्त खिलाड़ी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इस सीरीज का पहला मैच हो चुका है इंडिया लेजेंड्स वर्सेस वेस्ट इंडीज लेजेंड्स के बीच में, कि इंडिया लेजेंड्स की टीम ने वेस्ट इंडीज लेजेंड्स की टीम को 7 विकेट से एक रोमांचक मुकाबले में मात दे दी है। दोस्तों, इसी मुकाबले के ऊपर लेके आया हूं मैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा मेरे द्वारा पूरे ही मैच में हमारे ऐतिहासिक खिलाड़ियों ने क्या क्या प्रदर्शन करके दिखाया है। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, प्लीज आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मिल पाए नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियोस का, आप लोग आनंद उठा पाए हमारी मजेदार वीडियोस का। तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज लेजेंड्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 150 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। की ओपनिंग करने आए वेस्ट इंडीज की तरफ से डेरेन गंगा और शुभनारायण चंद्रपाल ने वेस्ट इंडीज लेजेंड्स की टीम को काफी अच्छी शुरुआत दिलाई। डेरेन गंगा ने एक तूफानी पारी खेलते हुए 24 गेंदों में 32 रन बनाए। शुभनारायण चंद्रपाल ने अपने वही पुराने अलग अंदाज में खेलते हुए 41 गेंदों में 61 रनों की एक शानदार पारी खेली और अपनी टीम को 150 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। तो इन दोनों सलामी जोड़ी के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हम सबके चहेते ब्रेन लारा और कार्ल हूपर, जिनको ये क्रिकेट फैंस देखना चाहते थे बल्लेबाजी करते हुए। पर आए ब्रेन लारा ने 15 गेंदों में 17 रन बनाए और कार्ल हूपर अपनी इस छोटी सी पारी में मात्र 8 गेंद खेल के 2 रन बना के पवेलियन वापस लौट गए। के बाद आए पोवेल और रेडली जेकोब्स जैसे बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और सस्ते में ही पवेलियन लौट गए। टीनो बैश ने कुछ शॉट खेलकर अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश करी और वो 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाद सुलेमान बेन और पी कॉलिंस 3 और 1 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद रहे। यही दोस्तों, इस पारी में इंडियन लेजेंड्स की टीम की गेंदबाजी की बात की जाए तो जहीर खान ने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि मुनाफ पटेल ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वहीं प्रज्ञान ओझा ने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेट चटकाए। इरफान पठान की बात की जाए तो उन्होंने 2 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट चटकाया। वहीं मनप्रीत गोनी और बहुतल्ले बिना किसी विकेट के रहे इस पूरी पारी में। दोस्तों, अब जरा नजर डाल लेते हैं कि इंडिया लेजेंड्स की टीम ने इस पारी में चेजिंग किस तरह करी। तो भारतीय क्रिकेट फैंस का इंतजार तब खत्म हो गया जब भारतीय टीम की पुरानी सलामी जोड़ी वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के रूप में इंडिया लेजेंड्स की टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए आई क्रीज पर। और सचिन ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए इंडिया लेजेंड्स को एक टिकाऊ और तेज शुरुआत दिलाई। में कि वीरेंद्र सहवाग ने पारी की शुरुआती 2 गेंदों में लगातार 2 चौके मारकर ये साफ कर दिया कि वो अपने पुराने अंदाज में ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। उन्होंने इस अपनी खेली गई अच्छी पारी में 68 जमाया, जिसमें उन्होंने 57 गेंदों में 74 रन बनाए, जबकि सचिन तेंदुलकर ने अपनी उम्दा पारी में 29 गेंदों में 36 रन बनाए। इनके आउट होने के बाद मोहम्मद कैफ क्रीज पर आए, उन्होंने 16 गेंदों में 14 रन बनाए। मोहम्मद कैफ के आउट होने के बाद मनप्रीत गोनी आए क्रीज पर और वो पहली गेंद पर पवेलियन वापस लौट गए कार्ल हूपर का शिकार होके। उसके बाद आए युवराज सिंह ने भारतीय टीम को जीत दिलाई और 7 गेंदों में 10 रन मारे। दोस्तों, वेस्ट इंडीज लेजेंड्स की टीम में से किसी गेंदबाज ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। सुलेमान बेन ने 4 ओवर में 26 रन देकर 1 विकेट चटकाया, जबकि कार्ल हूपर ने 3.2 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए और अंत में आकर भारतीय टीम ने इस मैच को 7 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों, ये थी इस पूरे मैच की हाइलाइट्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों को मिल पाए नोटिफिकेशन हमारी लेटेस्ट वीडियोस की, आप लोग आनंद उठा पाए हमारी मजेदार वीडियोस का। तो दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग।